कार्तिक और नायरा दुविधा में हैं कि क्या करें, क्योंकि नायरा गोयनका के घर में नहीं रह सकती, जबकि नायरा करव के लिए गोयनका के घर में रहती है और यहाँ बंच और कैराव खेल खेल रहे हैं। नायरा अजीब है क्योंकि वह इतने सालों के बाद पुराने जीवन में वापस नहीं आ सकी। यहाँ कार्तिक उसे नीचे लाता है जहाँ सभी नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि वह नायरा को अजीब तरह से समझ सकता है। इधर वंश और कैराव की लड़ाई हुई और वंश ने कैरावत से कहा कि उसके माता पिता कार्तिक और नायरा एक शादीशुदा जोड़े नहीं है। कैरावत ये सुनकर हैरान हो जाती है और इस तरह नायरा से सवाल करती है कि अगर उसने पिता कार्तिक से शादी नहीं की, अगर वे पति पत्नी नायरा कार्तिक नहीं है, तो कैरावत सवाल करते हैं और सभी चौंक जाते हैं। इस प्रकार नायरा ने विषय बदलने के लिए गर्दन के दर्द का नाटक किया। कार्तिक और नायरा का करव से टकराव था। नक्श सिंघानिया घर में नायरा और कैराव को लेने आया था। कार्तिक जारा को गोयनका घर से हटाने की कोशिश के लिए नायरा पर टूट पड़ता है, जबकि यहाँ नायरा कार्तिक को वापस देती है। नायरा कार्तिक से कहती है कि कैरावत तय करेगी कि वे कहाँ रहना चाहती है, जबकि इधर कैराव गोयनका के घर पर रहने के लिए तैयार है। नायरा उलझन में है क्योंकि वह जानती है कि वेदिका सहज और खुश नहीं होगी। यहाँ कार्तिक और नायरा वेदिका जाते हैं। कार्तिक और नायरा वेदिका के पास जाते हैं और उसे निर्णय लेने के लिए कहते हैं। वेदिका सभी उलझन में है और नायरा को गोयनका के घर पर रहने के लिए कहता है। कार्तिक और नायरा की जिंदगी में नया मोड़ आता दिख रहा है। यहाँ नायरा गोयनका के घर में रह रही है। वेदिका ने नायरा को कार्तिक और परिवारों की खुशी के लिए गोयनका घर में रोक दिया था, हालांकि वे खुद इससे खुश नहीं थी। जब वेदिका को उसकी एयरलाइन पर सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, तो कैराव और वंशी खुशी से खेलते हैं। इस पर कैरावत सवाल करता है और वंश कैरावत से कहता है कि वेदिका का विवाह कार्तिक से हुआ है, तो कैरावत हैरान है। जब कार्तिक और नायरा अलग हो जाते हैं, तो कावनर हैरान हो जाता है कि करवर ये जानकर टूट जाता है कि उसके माता पिता अलग हो गए हैं और वे एक खुशहाल परिवार नहीं हैं। कार्तिक और नायरा करव के लिए खुश हैं क्योंकि वे गोयनका परिवार के साथ परिवार के समय का आनंद ले रहे हैं। कैराव एक भाई वंश को पाने के लिए खुश है और उसके लिए सब कुछ अच्छा है, जबकि नायरा को गोविंद घर में रहना अजीब लगता है। कार्तिक नाश्ते के लिए नायरा को नीचे लाता है और जानता है कि वह वास्तव में सहज नहीं है, जबकि यहाँ कार्तिक और नायरा के लिए नई चुनौती का इंतजार किया जाता है। लेकिन कैराव को पता चलता है कि कार्तिक और नायरा अलग हो गए हैं। कैराव नायरा से सवाल करता है कि क्या वे शादीशुदा नहीं हैं और वे एक खुशहाल परिवार नहीं हैं। इस तरह नायरा गर्दन में दर्द को कैराव को विचलित करने के लिए अधिनियमित करती है। इस तरह कैराव कार्तिक को नायरा को मालिश देने के लिए कहता है और इस तरह कार्तिक को ये कर्णावर के लिए करनी पड़ा। कैरावत अपने माता पिता कार्तिक नायरा और गोयनका परिवार के साथ खुश है, जबकि उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है। कैरावत को पता चलता है कि कार्तिक और नायरा अलग हो गए हैं और कार्तिक ने वेदिका से शादी कर ली थी। कार्तिक और नायरा से ये सवाल पूछते हैं। वे कार्य को विचलित करने के लिए विषय बदलते हैं, जबकि अब करव ये देखेगा कि कार्तिक और नायरा अलग अलग कमरों में रह रहे हैं और वे ये देखकर दुखी और परेशान है। इस तरह कैराव कार्तिक और नायरा को बेडरूम साझा करता है और कहता है कि वे केवल उसके माता पिता होंगे जब वे एक साथ रहेंगे।